मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के जरिए से इतवार को 11 बजे दिन ऑल इंडिया रेडियो पर आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी ने हैदराबाद के इरागड्डा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस हवाले। उप्पल स्टेडियम में कल हिंद ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले T20 मैच के सिलसिले में 2500 मुलाजमीन पुलिस को तैनात किया जाएगा। वजीर सेहत हरीश राव ने जहीराबाद टाउन में 2.17 करोड़ रुपए के सर्फे से उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज के नए तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह किया। हुकूमत तेलंगाना ने इब्राहिमपट्टनम में खानदानी मंसूबा बंदी ऑपरेशन के वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। रंगारेड्डी DMHO सोराजा लक्ष्मी और DCHS झांसी लक्ष्मी का तबादला कर दिया गया है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर जुवेल सुनील कुमार के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 13 अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई। ऐसे वाक़ियात की यादें को रोकने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। 25 अगस्त को इब्राहिमपट्टनम में 34 खवातीन का खानदानी मनसूबाबंदी का ऑपरेशन किया गया था, ताहम इलाज में नाकामी की वजह से 4 खवातीन की मौत हो गई। तेलंगाना के जिले जगत्याल में फाइनेंसर्स के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए करीब 3.5 किलो सोना जब्त कर लिया। जिले SPC सच सुनंदो शर्मा की हिदायत पर जुमेरात की रात देर गए जिले भर के कई मुकामात पर धावे किए गए। फाइनेंसर शिवा के मकान से 3.448 किलो सोना, 32.11 रुपए नकद रकम, बी लक्ष्मण के मकान से 24 लाख नकद रकम जब्त कर ली गई। जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर किए गए धावों में 268 प्रोमिसरी नोट, 34 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पेपर्स और 5 मकानात के दस्तावेजात के अलावा 10 चेक बुक जब्त कर लिए गए। जगत्याल में 3, कोटले में 4, रायकल मटपल्ली में 2 मकामात पर तलाशी ली गई, जबकि जगत्याल मंडल के 1 मकान पर धावा किया गया। पुलिस ने इन तमाम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ఫైనాన్సులు నిర్వహిస్తున్న అధిక వడ్డీలు వసూలు చేస్తున్న ఫైనాన్సులపైన ఏకకాలంలో దాడులు చేయడం జరిగింది। దాంట్లో అధిక వడ్డీలకు ఇస్తున్న ఫైనాన్సులను గుర్తించి జగిత్యాల టౌన్లో 3 ఫైనాన్సులపైన రెడీ చేయడం జరిగింది। అది టౌన్ సిఐ అండ్ రూరల్ సిఐ, రూరల్ ఎస్ఐ వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో किशोर कृष्ण कुमार अंड सारंगपुर एसई कूड सो दींट जक्कु मुक्कल वेणु गुंडु दिनेश बानय्या गोल्लपल्ली महेश इद्दरु मुग्गुरु टाउन लो उन्नारु। तर्वाता रायकल कोच्चेसी सदाशिव रेड्डी रायकल, मैतापूर एमो श्रीधर, रूरल कोच्चेसी ऐल्नेनी जगन राव। ई आरुगुरु इल्लीगल गा निर्वहिस्तुन्न फैनांसुलपै మేము రేడియేడం జరిగింది। ఇన్స్పెక్టర్ కిషోర్ అండ్ రూరల్ సిఐ కృష్ణ కుమార్, రూరల్ ఎస్ఐ అనిల్ అండ్ సారంగపూర్ ఎస్ఐ వాళ్ళ సారంగపూర్ రైకల్ ఏఎస్ఐ దీంట్లో మేము ఇప్పటి వరకు నెట్ క్యాష్ 2,26,000 సీజడం జరిగింది అన్ని ఫైనాన్సులలో। తర్వాత ప్రామిసరీ నోట్లు దాదాపు 1,00,000 విలువైన ప్రామిసరీ నోట్లు బ్లాంక్ అంటే ఓన్లీ ఫిగర్ రాసి ఏమీ రాయకుండా సిగ్నేచర్లు పెట్టి ఉన్నవి। తర్వాత జగిత్యాల టౌన్లో బాండ్ పేపర్లు 47 లక్షల రూపాయల వర్త్ రూపీస్ రిజిస్ట్రేషన్ బాండ్ పేపర్లు మేము వాళ్ళకు కాకుండా వేరే వాళ్ళే వాళ్ళ
ఫైనాన్స్ లో సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇంకో ఫైనాన్స్ లో దాదాపు 32 వెహికల్ మీరు కొన్నట్టు సూచించుకొని వాళ్ళకి 8 లక్షల రూపాయలు అప్పు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది అధిక వడ్డీ, ఒక్కొక్కరు నెలకు 3 రూపాయల నుంచి 10 రూపాయల వరకు కూడా అధిక వడ్డీని ఇచ్చి మొన్న మీరే ఇక చూడడం జరిగింది. జగిత్యాల అధిక వడ్డీలు అప్పుల బాధను భరించలేక ఒక కుటుంబం మొత్తం ప్రాణం తీసుకున్న సూసైడ్ చేసుకున్న పరిస్థితి. సో ఇటువంటి ఇల్లీగల్గా చేసే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద ఉపాధి మోపుతాము. దీంట్లో ఈ ప్రామిసర్ నోట్లే కాకుండా ఎంటీ చెక్కులు కూడా మాకు దొరికినాయి, ఒక 20 వరకు ఎంటీ చెక్కులు. ఈ చెక్కులు, ప్రామిసర్ నోట్లు ప్లస్ డాక్యుమెంట్స్ ఏదైతే నాన్ జుడిషియల్ స్టాంప్ పేపర్స్ ఉన్నాయో రిజిస్ట్రేషన్కి సంబంధించినవి. जिले रंगारेड्डी में 9 साला लड़की की इस्मत दरी पर बिहार के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है. मुलजिम इस लड़की के मकान के पड़ोस में रहता था. इस लड़की की तकरीबन 2 माह से सेहत खराब होने और हमेशा खौफजदा रहने पर इसके वालिदैन ने इससे मालूमात हासिल किए, जिस पर मुतासिरा ने अपने वालिदैन को बताया कि बिहार के शख्स ने इसकी इस्मत दरी उस वक्त की जब उस लड़की के वालिदैन घर पर मौजूद नहीं थे. मुतासरा के वालिदैन ने इस बात की शिकायत पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर मामला दर्ज करके इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के जरिए से इतवार को 11 बजे दिन ऑल इंडिया रेडियो पर आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे. इस रेडियो प्रोग्राम की ये 53वीं किस्त होगी. ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स के अलावा एयर न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा. इसके अलावा ये प्रोग्राम एयर न्यूज़, डीडी न्यूज़, पीएमओ और इत्तेलात व नशरियात की वज़ारत के यूट्यूब चैनलों पर भी रास्त पेश किया जाएगा. ऑल इंडिया रेडियो हिंद ब्रॉडकास्टिंग के फौरी बाद इलाकाई ज़बानों में इस प्रोग्राम का तर्जुमा पेश करेगा. सीबीआई ने बच्चों के इस्तेमाल के ऑनलाइन मवाद की गश्त से मुतालिक मामलात के सिलसिले में 20 रियासतों और मरकजी ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों यानी जुमला 56 मुकामात पर ऑपरेशन मेगा चक्र के हिस्से के तौर पर तलाशी ली. इंटरपोल और क्लाउड स्टोरेज के जरिए इंटरनेट पर बच्चों के जिनसी इस्तेमाल के मवाद के आदि अफराद के खिलाफ गुज़िश्ता साल ऑपरेशन कार्बन के दौरान हासिल करदा मालूमात के बाद ये कार्रवाई की गई. नवंबर 2021 में सीबीआई ने ऑपरेशन कार्बन अंजाम दिया था और मुल्क के 76 मुकामात पर धावे करते हुए कई अफराद को गिरफ्तार किया था. गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने राजभवन में बतकम्मा तकरीब के हिस्से के तौर पर राजभवन की खातून स्टाफ में आसारी तकसीम की. गवर्नर गुज़िश्ता साल से बतकम्मा तकरीब के मौके पर राजभवन की तमाम खातून अराकीन स्टाफ में शख्सी तौर पर स्पॉन्सर करदा साड़ियों की तकसीम कर रही हैं. राजभवन के दरबा हॉल में मुनाकदा तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने बतकम्मा फेस्टिवल को तेलंगाना की खवातीन के लिए एक अनोखी तकरीब से ताबीर किया. इन्होंने कहा है कि बतकम्मा फेस्टिवल फितरत को एक भरपूर खिराज है. इसका तेलंगाना की खवातीन के साथ समाजी, सकाफती और जज्बाती लगाव है. इस 9 रोज़ा फेस्टिवल के दौरान खवातीन की जानिब से तकसीम की जाने वाली रिवायती गजाई अशिया की अहमियत को उजागर करते हुए इन्होंने जोर देते हुए कहा है कि खुवत मदाफियत में बेहतरी और बेहतर सेहत की ज़रूरत है हमारे आबा वाजिद अदासी. इस मौके पर गवर्नर ने महकमे सकाफत की खसूसी वीडियो भी जारी की. इस वीडियो का मकसद कोविड-19 से एहतियात के उसूल और बतकम्मा तकारीब को उजागर करना है. राजभवन के खातून मुलाजिमीन और दीगर सीनियर अहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे. This time I went because I wanted to select good sarees for a parivar personally, because if I tell somebody they may not select in a proper way. So after almost 1 year I went to the shop and selected. This is something we all as a family we are celebrating it. And
Actually, we are expecting that day. Every year after completing the Parukama, the next Parukama, we are all expecting. And this is really a very enjoyable moment for all of us. So we all together celebrate with all the team spirit only, we are able to put forth all our duties, whatever may be the activities we have taken. And Raghavan was very active for the past 3 years, and we have entered his fourth year. And every year, we are developed more than what we were the previous year. And because of all your good wishes, and Adukama and Ammavaru blesses all, so that I always, when I learned about Adukama, I was really very much surprised about the team associated with that. As a doctor, we always enforce on good nutrition. So when culture associated with nutrition, because this is Papu Adukama and Neem Adukama, because Neem is now, even now it's used as a medicine. And we all know Parukku is highly protein food. So these all things, our elders, our ancestors wanted us to be very hale and healthy, happy. So they incorporated the celebrations, the dance, the nutrition together as a great celebration. And Parukama, let us celebrate it, because we wanted to celebrate for more days. But because of time constraint, 2 days we can celebrate with full of our spirit. And tomorrow, general public from women from all walks of life, and day after tomorrow, our parivar. And I request each and everyone to wear the same sari, because we have to wear the same sari, and so that we all will celebrate together. And I'm really very happy to be here, and let us all, and let all our friendship, our association and happiness continue. I'm really very happy to be here. Thank you so much. We wish you all the best. रचागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा है कि उपल स्टेडियम में कल हिंद ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले T20 मैच के सिलसिले में 2500 मुलाजिमीन पुलिस को तैनात किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि स्टेडियम में 300 सीसीटीवी कैमरे निस्फ किए गए हैं, और ये कैमरे बंजारा हिल्स में वाकई तेलंगाना कमांड एंड कंट्रोल से मरबूत किए गए हैं। इन्होंने कहा कि क्रिकेट देखने वाला हर शख्स ये बेहतर तौर पर जानेगा कि वो क्या कर रहा है। इन्होंने कहा कि मैच के लिए तकरीबन 40,000 अफराद की आमद की तौफ है। इन्होंने उपल स्टेडियम में इंतजाम का मुआयना भी किया। महेश भागवत ने कहा है कि रचाकोंडा कमिश्नरेट के तमाम शोबेजात जैसे ऑक्टोपस, माउंटेन हॉर्स, स्पेशल पुलिस टीम, शी टीम्स और दीगर अजला के मुलाजिम पुलिस भी सिक्योरिटी में हिस्सा लेंगे। After 3 years and we want many more matches in future also. So that we are working hard, and all my colleagues, DCP Malkajgiri, Rakshita, who is taking care of law and order, DCP Traffic Srinivas, our additional CP Sudhir Babu, then DCP Crime, then our IT cell, our special operation team, our armed reserves. Then from the outside also we are getting very good support, like from the octopus, from counterintelligence cell, many specialized units also, they are helping us to make this match successful. The only thing required is the cooperation from the public for this match, to make this event successful. I'm thanking the all the stakeholders. In our first is Hyderabad Cricket Association. The second stakeholder is the our Greater Hyderabad Municipal Corporation, TSIIC, then Fire Department, Transco Department, Health Department, Metro Railway, then TSRTC. All these departments, they are working hard. Metro has extended the timing till 1 a.m. whether it is only for 10 p.m. every night. And as well as the RTC, special buses will be there. Having the board of Upal Stadium, these buses will be plying from Secunderabad station, from Jubilee bus stand and other prominent places. So the public transport facilities have been organized. So our request to public is that better use the public facility rather than using your own individual vehicle, so that you can come early, you can come safely, and your return journey also will be safe.
seen this is a T20 match. There is no liquor or cheer girls kind of things are there in this stadium. So that question is not arise about the prohibiting liquor and other things. Overall, we are taking... आरटीसी सिकंदराबाद अहदेदारों ने कहा है कि उपल स्टेडियम में कल के मैच को देखने के लिए आने वाले अफराद के लिए खसूसी सिटी बसों का इंतजाम किया गया है। सिकंदराबाद जुबली बस स्टेशन, मेरचल, हकीमपेट, जड़ीमेटला, गुड़कसरी, कोठी, मेहदीपट्टनम और पटनशेरू ता उपल स्टेडियम खसूसी बसें चलाई जाएंगी। अवाम की बड़ी तादाद की मैच देखने के लिए आमद पर हैदराबाद मेट्रो ट्रेन खदमात इतवार को 11 बजे शब ता 1 बजे शब दस्तियाब रहेंगी। 11 बजे शब उपल स्टेडियम और NGRI स्टेशन में ही मुसाफिरों को बैठने की इजाजत होगी। मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी ने हैदराबाद के इरागड्डा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस हवाले की। ABB फाउंडेशन की जानिब से ये असरी एम्बुलेंस फराहम की गई है। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा है कि आयुर्वेदिक दवाइयों का आगाज हिंदुस्तान में हुआ, ये दवाएं पूरी दुनिया में फैली। इन्होंने कहा कि इनके जरिए अवाम के कई मसाइल हल हुए। इन्होंने याद दहानी करवाई है कि कोविड वबा से लड़ने में आयुर्वेदिक ने अहम रोल अदा किया। आयुर्वेद की मकबूलियत ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी है। तुम पीछे तो भी आके मारो फोटो, कैमरा तो घुमा दे रहे इधर उधर उधर उधर। अरे तुम कहीं को ले रहे जी, कहीं को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप नीचे करो फिर। Thank you.
भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश भर में सेवा पक्ष के नाम पर 15 दिन अलग अलग सेवा कार्यक्रम पार्टी के द्वारा कर रहे हैं। इसके अंदर स्वच्छ भारत कार्यक्रम है, मेडिकल कैंप्स है, वेल एजुकेशन कैंप्स है, पेशेंट्स की सेवा करना और रिवर्स को ठीक करना, वाटर पॉट्स को क्लीनिंग करना और स्कूल्स में जाकर बच्चों को पढ़ाई करना, बच्चों को जो नोटबुक्स लेना, यूनिफॉर्म लेना और दिव्यांगों को भी इक्विपमेंट्स बांटना, जो भी कर सकते हैं देश में गरीब और लोगों के लिए जो सेवा कर सकते हैं पार्टी के द्वारा, उन सभी लोगों को सेवा करने के लिए पार्टी निर्णय किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, आज सभी लोगों को सेवा करके जो गरीब लोगों का आशीर्वाद प्रधानमंत्री को मिले, प्रधानमंत्री और शक्ति के साथ देश को सेवा करे, यही प्रधान लक्ष्य है। इसके संदर्भ में आज हैदराबाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जुबली हिल्स असेंबली चुनाव क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो नौजवान, वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सालगिरह के मौके पर बीजेपी खदमात की सरगर्मियों के हिस्से के तौर पर आज जुबली हिल्स हल्के में युवा मोर्चा की जानिब से खून के अतिया का कैंप मुनक़द किया गया। मरकजी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने इस कैंप में खून का अतिया देने वालों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ़ ने कहा है कि थैलेसीमिया जैसे मरीज के शिकार अफराद को इससे फ़ायदा हो सकता है। तकरीबन 150 अफराद ने खून का अतिया दिया। खिदमात की सरगर्मियां आइंदा माह की 2 तारीख को गांधी जयंती तक जारी रहेंगी। रियासती वजीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के जहीराबाद टाउन में 2.17 करोड़ रुपए के सरफे से उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज की नौ तामीरशुदा इमारत का इफ्तिताह किया। मेदक के रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल, जहीराबाद एमएलए मानिक राव, जिले परिषद सदर नशीन मंजू श्री, जिले कलेक्टर शरदा और दूसरे इस प्रोग्राम में मौजूद थे। मरकजी ममलिकती वजीर तरक्की व इमदाद बाहमी बी एल मित्रा ने कहा है कि मुल्क में पारचा जात के शोबे की तरक्की के लिए मरकज कई इकदाम कर रहा है। मित्रा ने मिनी टेक्सटाइल पार्क में बाद सनतों का मुआयना किया। बाद अजा इन्होंने कहा है कि मडी कुंडा वो वीरस सोसाइटी के अरकान के मसाइल हल करने के इकदाम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि TRS हुकूमत तेलंगाना के तमाम शोबों को नज़रअंदाज कर रही है। इन्होंने कहा है कि मरकज सनअतों को तरक्की दे रहा है और लाखों नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौके फराहम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के जरिए हज़ारों मुलाजमतों की फराहमी के वादे के बावजूद रियासती हुकूमत ने इस मसले को नज़रअंदाज कर दिया।